एक पासे जिथे कोरोना नाल पूरा देश लड़ रहा है, उत्थे ही देश विच वध रही मौत दर सरकार वल्लों मिल रही सेहत सेवावां ते सवाल खड़े कर दिए। अजिहे विच पूरे पंजाब विच वेंटीलेटरां दा मुद्दा भी गरमाया होया है। गुरदासपुर की गल करिए, गुरदासपुर जिले के कोल 6 वेंटीलेटर सन, जिन्हां विचों 2 वेंटीलेटर सांसद सनी देओल ने गुरदासपुर नूं दित्ते सन, 2 वेंटीलेटर समाज सेवी डॉक्टर ओबराए ने भेजे सन अते 2 निजी हॉस्पिटल ने भेजे सन। लेकिन इन्हां वेंटीलेटरां नूं चलाउण लई पिछले 1 साल तो सेहत विभाग गुरदासपुर कोल कोई स्टाफ नहीं सी। जिहड़ा स्टाफ सी उसनूं वेंटीलेटर चलाउणे नहीं आउंदे सन, जिस दे चलदिआं 4 वेंटीलेटर नूं लुधियाणा विच भेज दित्ता गया, जिस उत्ते भाजपा आगूआं ने गुरदासपुर विच प्रैस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सनी देओल वल्लों दित्ते गए वेंटीलेटर लुधियाणा विच भेज के पंजाब सरकार अते जिला प्रशासन ने गुरदासपुर दे लोकां नाल चंगा नहीं कीता। पंजाब सरकार उत्ते निशाना साधदे होए कहा कि पंजाब सरकार वेंटीलेटरां नूं चलाउण लई स्टाफ तक नहीं रख सकी, इस विच पंजाब सरकार दी नाकामी है। असीं सारे जानते हैं कि करोना दे दुश्वार समय चों सारा देश और खास करके पंजाब भी जूझ रहा। पंजाब दे विच हालात बड़े बुरे ने, जिहड़े सही आंकड़े ने सही तस्वीर है उह ते पेश आ ही नहीं रही। इन्हां चिंता योग हालातों नूं वेखदे हुए साडे माणयोग सांसद जी ने करोना की शुरुआत दे समय दे विच ही 50 लाख रुपया दिता सीगा कि वेंटीलेटर अज ऑक्सीजन की कमी के नाल जूझ रहे हैं। असी सारे गुरदासपुर सिविल हॉस्पिटल के 6 वेंटीलेटर सीगे, मानयोग सांसद जी वालों भी जोड़े है वह प्रोवाइड करवाए गए थे और 2 इन्हों को पहला सीगे। वो 4 जोड़े वेंटीलेटर सीगे इन्होंने कुछ दिन पहला ही जिले के लोगों दीयां जरूरतां नूं दरकिनार करके एक जानलेवा लापरवाही वरती है कि वह वेंटीलेटर जिहड़े लुधियाने भेजे गए। देखो, असी किसी जरूरतमंद की मदद करन दे खिलाफ नहीं, किते होर जरूरत हैगी पंजाब किसी थान दे लई ते असी ते एक दूजे दे लई सानू सहयोग करना चाहिए। पर यह हैरानगी की गल है कि इन्ना लंबा समा बीत गया यह सुविधावां दित्तियां नूं यह मदद कीतियां नूं ते उहदे बाद वेंटीलेटर आपरेटर भी नहीं हैगे साडे कोल सिविल हॉस्पिटल दे विच। जिहड़े 2 वेंटीलेटर हैगे वह भी ऑपरेट नहीं किए जा रहे। असी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर दे विच बैठे हाँ, साढ़े मानयोग सांसद सनी देओल जी दे निजी सहायक पंकज जोशी जी, विशेष तौर पर साढ़े चाइनी साढ़े महामंत्री विजय शर्मा जी, मंडल प्रधान अतुल जी, मीडिया इंचार्ज विनोद कालिया जी भी नाल बैठे ने। मैं ये दसना चाहना तो मैं ये सरकार तो पुछना चाहना कि जे तुसी लगातार 1 साल लगभग तुहाडे कोल वेंटीलेटर ऑपरेटर भी नहीं है, तुसी लोकल ऑपरेटर्स भी तुसी सिखलाई करने वास्ते तैयार नहीं कर पाए, जबकि एक निजी हस्पताल ने यह पेशकश की सी मानयोग सांसद जी के प्रयासों के बाद कि असी तुहानू पूरी ट्रेनिंग दे दें, तुहाडे जिहड़े ऑपरेटर्स इस काम तुसी लगाना चाहते हो साडे कोल भेजो, पूरी सिखलाई करके असी दे देंगे। लेकिन की इस पासे ध्यान ही नहीं दिता गया। इहदा मतलब साफ है कि कैप्टन सरकार हर मुहास ते फेल हो चुकी है और इन्हां हालातों के किसी भी तरह के नाल कोरोना के नाल निपटन दे विच ते जिहड़ियां चुनौतियां दरपेश आ रही हैं उन्हां दा सामना करन दे विच विफल साबित हुई है। दूजे पासे सिविल सर्जन गुरदासपुर डॉक्टर हरभजन का कहना है कि उन्होंने सनी देओल ते डॉक्टर ओबराए कोलों आग्या लैके ही यह वेंटीलेटर लुधियाणा विच भेजे सन, क्योंकि लुधियाणा विच इन्हां दी ज़्यादा जरूरत सी। साडे गुरदासपुर जिले दे विच पीएम केयर फंड चों कोई वेंटीलेटर नहीं मिलिया सी। मौजूदा वेंटीलेटर इस वेले सिविल हस्पताल गुरदासपुर 2 ने, 4 वेंटीलेटर साढ़े कोल होर सीगे, वो असी हुणे ही लुधियाणा ज़्यादा जरूरत सी, AL3 इंस्टीट्यूट उत्थे ज़्यादा ने, DC साहब के कहन ते अही परमिशन लैके 4 जिहड़े लुधियाणा सिविल सर्जन नूं शिफ्ट कीते। इस्तेमाल च नहीं आ रहे, उन्होंने इस्तेमाल करने लई ना स्टाफ सानूं चाहिए, साढ़े कोल स्टाफ की शॉर्टेज चल रही है। नहीं, छोटे हॉस्पिटल आ साढ़े, उत्थे वेंटीलेटर नहीं है। उत्थे इस मामले में सनी देओल ने भी एक लैटर जारी किया, जिस विच उन्हां कहा कि उन्हां कोल आग्या देण तों इलावा होर कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि गुरदासपुर विच इन्हां वेंटीलेटरां नूं चलाउण लई स्टाफ तक नहीं है। अजिहे विच वेंटीलेटर उत्थे बंद पए हुए सन। इस दे नाल ही सांसद सनी देओल ने चिट्ठी विच लिखिया है कि जो वेंटीलेटर उन्होंने भेजे सन वह गुरदासपुर हल्के दे लोकां दी मदद लई भेजे सन, अते प्रशासन यह भी तय करे कि गुरदासपुर दे लोकां दी सेहत नाल कोई खिलवाड़ ना होवे।